शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर तुमने ये रिंग ढूंढने की कोशिश की थी तो अब इसे चुराने की भी कोशिश करोगी, और अगर अब तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें हाई वोल्टेज करंट लगेगा। अब कैसी हैं आप? पहले से बेटर लग रहा है। वो घर से गई क्या? हमने बोला तो है उसे रुकने को, अब देखते हैं क्या करती है गहना। गहना, हमारा जिस डायन ने तुम्हारे होने वाले बच्चे को मारने की कोशिश की है, तुमने उसी को इस घर में रोक लिया। एक काम करो गौरव, मुझे और मेरे बच्चे को मार दो और जाके उसके साथ रहो। हमारे कहने का मतलब, उर्वशी दूर रहो मुझसे। हमें माफ कर दीजिए। इट्स ओके, पर हाथ मत छोड़ना, अच्छा लग रहा है। गौरव, तुम ठीक हो? किस भाषा में समझाना पड़ेगा तुम्हें कि मेरे पति से दूर रहो? पहले मेरे पति को चुराने की कोशिश की तुमने, और अब इस रिंग को मैं तुम्हें फिर इसका साथ दे रहे हो। तुम इस औरत का, इस चोर का, जिसने तुम्हें मेरी रिंग चुराने को कहा। देखिए, आप इन्हें कुछ मत कहिए, अब पहले हमारी बात सुनिए। तो ना ही दो, ये ऐसा क्या है जो तुम्हें इसका साथ देना पड़ रहा है? रिंग लाने के लिए इन्होंने बिल्कुल नहीं कहा था। तो फिर किसने कहा? प्रिंस ने कहा था। प्रिंस? प्रिंस क्यों कहेगा? क्योंकि हम विश एंड डेयर गेम खेल रहे थे, और प्रिंस ने कहा कि उसे रिंग चाहिए, हम बच्चे की बात टाल नहीं पाए, इसलिए रिंग लेने आए थे। तो मैंने चोर मत कहो, और बात को जाने बिना रिएक्ट मत किया करो, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम माफी मांगो इनसे। मेरी जूती भी इससे माफी ना मांगे, पर तुम्हें खुश करने का मौका मिला है तो छोटी सॉरी ही सही। सॉरी। खुश? तुम कहाँ चल दी गायत्री? अपनी तारीफ में कुछ और भी सुनती जाओ। तुम जो हो ना, वो तुम बताती नहीं, और जो तुम खुद को बताती हो वो तुम हो नहीं। तो ये डबल गेम
कहीं तुम्हें ही डबल क्रॉस ना करते। सो कीप सेफ डिस्टेंस। गौरव, क्या आत्मा देवी, तुम्हारे रहते गौरव ने मुझे उस गायत्री से माफी मांगने के लिए कैसे कहा? कामचोर हो गई हो क्या तुम? जो मेरा वशीकरण कमजोर पड़ रहा है, सिर्फ मेरे चिल्लाने पर गौरव ने इतनी बड़ी बात बोल दी। उठ बच्चा, वो लाल किताब घर के पूर्व दिशा के कमरे में अलमारी के पीछे जा ढूंढ और बदल दे अपनी जिंदगी। अब महानु महाराज जी, ये लीजिए आपकी दक्षिणा। मेरा काम तो बिना दक्षिणा के हो गया मेरे प्यारे बड़े भैया। यहां तो नहीं है, यहां भी नहीं है। तू कब गया पंडित जी के पास रोनी? जब भैया पंडित जी के सामने दंडवत प्रणाम कर रहे थे, तब मैं बाहर एक टांग पे खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। भैया कमीनेपन की हद होती है रोनी। कमीनापन में क्या हद भैया, और वैसे भी ये सब ना मैंने आपसे ही सीखा है। लेकिन भैया आज ना आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। भैया जब सफर एक हो ना तो हम सफर बन जाना चाहिए। और भैया आप अगर नहीं माने ना तो मैं ये बात घर में सबको बता दूंगा। अगर तूने ये बात किसी को बताई ना रोनी, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मंजूर है। तो ठीक है भैया, इस लाल किताब की मदद से हम दोनों बहुत अमीर बने। चलो बेटा, गंगा जल से स्नान करा दो इसे। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।